पुलिस की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने और उनकी सेवा करने के तरीके से अपग्रेड करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस के सहायक से हाईटेक थाने बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर बरगी विधानसभा के चरगांव में हाईटेक थाने का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजय यादव और जिला SP अमित सिंह और पुलिस के अन्य स्टाफ द्वारा हाईटेक थाने पर विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। आपका केस अभी खत्म नहीं हुआ। हाईटेक पर भूमि पूजन करने के बाद SP अमित सिंह ने कहा कि चरगांव में अत्यधिक थाने पर आधुनिक निर्माण किया गया है, जिसमें सारी सुविधाएं होगी। जिग्रेशियम के साथ साथ अगर कोई दूर से अपनी शिकायत लेकर आता है और रात होने पर उसे वापस होने की परेशानी होती है, तो उसे हाईटेक थाने में रुकने की व्यवस्था से लेकर खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है। और निश्चित तौर पर इसमें न केवल हमारे पुलिस अधिकारियों के लिए रेस्ट रूम रहेगा, वरन यहाँ के जरकवा के जो लोग हैं, फरियादी हैं, उनके लिए भी इसमें रेस्ट रूम की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है। ग्रामीण अंचल के लोग जो रात बिरात अपने गांव नहीं वापस जा पाएंगे, उनके लिए भी इसमें ठहरने की व्यवस्था है। इस तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस हमारा थाना बनाया जा रहा है, ग्रामीण अंचल की जो आवश्यकताएँ हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि जितना अच्छा थाना बन रहा है, उतनी ही अच्छी पुलिसिंग भी जरगवां की पुलिस और जबलपुर की पुलिस प्रोवाइड करेगी। सर, कुछ ऐसा भी चल रहा है कि यहाँ पर पहले स्टाफ की कुछ शिकायत आ रही है। स्टाफ की शिकायत हर जगह आती रहती है, स्टाफ समाज से ही आता है, जैसे समाज है वैसे पुलिस होती है, और इसीलिए हमारे यहाँ विभागीय जाँच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की प्रक्रिया है, और जो लोग जिनकी शिकायत आएगी अगर वो सिद्ध पाई जाएगी उनको निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बढ़ाने के लिए कुछ स्टाफ हमारा बल जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग से जैसे आएगा चरगवां में जो भी बल की कमी है उसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। मुझे SP साहब बताएंगे कि 1 करोड़ से कुछ ऊपर का है और बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्र में, पुलिस अधीक्षक सम्मानीय अमित सिंह जी के प्रयासों से, हम सबके सहयोग से। माननीय मध्य प्रदेश सरकार की जो सोच है कि ग्रामीण थाने वो सब शहर थाने हों, बहुत अच्छे सुंदर होना चाहिए, उसी वातावरण का हमारे चरगवां थाने में यह थाना भवन बन रहा है। और मैंने SP साहब से मांगी कि जल्द ही तिलवारा के लिए जमीन आवंटित हो गई है, तिलवारा में भी एक भवन बने, सहपरा में भी SP साहब ने बनाने की बात की हो, भेड़ाघाट में आने वाले समय में भेड़ाघाट पर्यटक स्थल है, वहाँ भी एक अच्छा भवन बनेगा और इस क्षेत्र में बड़ी शांति और अमन चैन रहता है। और हम यही प्रयास रहता है कि हमारे इस क्षेत्र में जो पहले वातावरण था 1 साल पहले, वो वातावरण खत्म हुआ, कम से कम लोग भी शांत थे और काम करने वाले भी पुलिस के अधिकारी हों, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हों, हमारे इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों में अभी तक जनसुनवाई के माध्यम से खासकर पुलिस की शिकायतें नहीं आई, इतनी जितनी जनसुनवाई में मैंने की है। स्वाभाविक कहीं कहीं शराब की आती है तो उसमें आबकारी विभाग कुछ नहीं करता है, तो वो समस्या भी अब चूंकि रेता से मुक्ति मिल जाएगी, रेत के ठीक हो जाएंगे, तो अब पुलिस जो है अवैध शराब वालों के ऊपर शिकंजा कस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।